बालाघाट से बड़ी खबर, साइबर ठगी की 3 शिकायतों पर कोतवाली पुलिस बालाघाट की साइबर ब्रांच ने की कार्रवाई। फरियादी राजेश नागपुरे, राहुल पटले, लामता और विजय गांगुली से ठगी गई 1,58,984 रुपए की राशि दिलवाई वापस। शिकायतकर्ताओं की सूचना पर साइबर नोडल थाना द्वारा की गई कार्रवाई। फोन पर कर्मचारी बनकर पेटीएम में कैश बैक देने के नाम पर की गई थी ठगी। पुलिस ने की अपील, इस तरह के साइबर अपराध से बचें और ठगी होने पर तत्काल साइबर ब्रांच को दे सूचना। कैशबैक का 4,999 रुपए का जो बोले आपके खाते में तुरंत ही, आप जैसे ही मैं मतलब मैंने एक लिंक बताऊंगा उसको अगर ये कर दोगे तो बोले, अब उतना मुझे भी नॉलेज नहीं था क्योंकि मैंने भी शुरुआत ही की थी मोबाइल, बड़े मोबाइल में बैंक से लेन देन करते हैं, इसलिए तो उनका एक मतलब लिंक ऐसा रहता है कि मतलब अपन ने सिर्फ वो लिंक में डाले, पासवर्ड डाले लेकिन अपन अमाउंट नहीं डालते। मुझे ऐसा महसूस था कि जब तक अपन अमाउंट नहीं डालेंगे पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन मैंने जैसे ही अपना पासवर्ड डाला तो मेरा पूरे पैसे ख़त्म हो गए। किस चीज़ के पासवर्ड डाला था? अपना मतलब मैंने ATM कार्ड का जो नंबर रहता है वो, हाँ पिन कोड नंबर वो, तो मेरे पूरे पैसे चले गए। उसके बाद में फिर मैंने हमारे यहाँ मेरे छोटा भाई है वो बहुत पढ़ा लिखा है, तो मैंने उसको जैसे ही बोल दिया तो उसने बोल दिया आप सीधा कोतवाली थाना का चले जाइए साइबर ऑफिस, वहाँ पे आप मतलब मैंने आवेदन दे दीजिए। शायद मुझे भी ऐसा लग रहा है बोले कि पैसा रिटर्न नहीं होगा, लेकिन मैं ठीक तुरंत 10 मिनट मतलब 10 से 15 मिनट लगा होगा मुझे बगदरा से कोतवाली थाना पहुँचने में, मैं बहुत जल्दी में आया। तो पहले तो मैं बैंक में रुका, बैंक वाले ने बताया कि आप सीधा पहले तो बोले FIR डाल दीजिए या वहाँ साइबर ऑफिस चल जाए, उनने भी यही राय दी। मैं सीधा साइबर में आया, मैडम ने कार्रवाई की और ठीक 2 दिन के बाद मेरे पैसे रिटर्न आना चालू हो गया। कितना अमाउंट कटा था आपका? मेरा 92,000। एक्चुअली अभी हो ये रहा है कि बहुत से जो प्रकरण हमारे पास आ रहे हैं उसमें फ़ोन पे ऐप है या गूगल पे है इनका इस्तेमाल करके लोग ऑनलाइन ठगी कर लेते हैं। वो बताते हैं कि हम कस्टमर केयर के हैं या हम आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं, इस लिंक पे क्लिक करो, या कभी कभी वो बैंक वाले फ़ोन बन के फ़ोन करते हैं कि आपके पास एक OTP आएगा हमें बता दीजिएगा, कार्ड ब्लॉक करने की धमकी देते हैं। तो जो कस्टमर होता है वो कई बार उनके बहकावे में आ जाता है और वो अपना OTP और पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है। तो इन लोग इस OTP और पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके इनसे ऑनलाइन फ्रॉड कर लेते हैं। तो हमारे ऐसे 3 अभी रिसेंट के हैं 3 प्रकरण, वैसे भी पूर्व में भी हुए, उनमें भी हमने रिकवरी करवाई थी। राजेश नागपुरे हैं, राहुल पटले, विजय गांगुली हैं, ये बालाघाट के निवासी हैं लोग। ये फ़ोन पे इनके पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप ये ऑफ़र आपको मिल रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इतने इतने रुपए मिल जाएंगे, और बाकायदा लोग एक लिंक भी भेजते हैं। मगर जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो पैसा आने के बजाय हमारे जितने भी अकाउंट में पैसा होता है वो पूरा का पूरा उस फ्रॉडस्टर के खाते में चला जाता है, क्योंकि ऐसी कोडिंग करके लिंक भेजते हैं। जनरल व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ये किस तरीके से मतलब ये काम कर रहा है। तो इसमें हमने मतलब इन तीनों के अभी बेसिकली पूरे के पूरे पैसे इनके रिटर्न हुए हैं। हुआ ये था कि इनके जैसे ही खाते से पैसा निकला इन्होंने तुरंत साइबर सेल को हमें सूचित किया। साइबर सेल ने हमें तुरंत, हमारी एक ईमेल आईडी होती है उससे संबंधित कंपनी जो है उसको हमने ईमेल कर दिया और पैसे इनके तुरंत होल्ड करवा दिए। तो इसमें मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि कभी भी ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो विदिन आप कोशिश करिए कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही अंदर आप साइबर सेल को सूचित तो कर ही दें, अपने बैंक से भी सीधे ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकलवाएं। पैसा जितनी जल्दी होल्ड हो जाएगा उतनी जल्दी रिकवरी के चांसेस रहते हैं। यदि हम उसमें लेट करते हैं तो आजकल ये फ्रॉडस्टर इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि आपसे ट्रांजैक्शन से अपने पैसा अपने खाते में लिया और किसी और अदर स्टेट से उन लोग पैसा जाके निकाल लेते हैं। एक बार पैसा उनके हाथ में आ जाता है तो फिर काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है दूसरे स्टेट में जाके रिकवर करने में। यदि आप लोग तत्काल हमें सूचित कर दें तो हम तत्काल आपका पैसा रिफंड करवा सकते हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।